ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। व्यवसायी की कार को ओवरटेक कर लूटने वाले 5 डकैतों को थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डकैती में इस्तेमाल की गई पिस्टल, जीवित कारतूस व बगैर नंबर की वैगनार कार बरामद की गई है और 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस उपायुक्त आम्बुरे ने बताया कि ब्राह्मण फेज 5 आज़ाद नगर के राज रेसिडेंसी में रहने वाले व्यवसायी थॉमस जॉर्ज कुट्टी 3 सितंबर की रात करीब 11 बजे अपने विक्रोली स्थित कार्यालय से चालक भाव साहब खिलारे व नीलेश घाटगे के साथ घर जा रहे थे, मगर माझीवाड़ा उड़ान पुल के निकट पहुंचते ही एक कार बिना नंबर प्लेट की वैगनार की दुर्घटना का बहाना बताकर कुट्टी को कार रोकने का प्रयास किया गया, मगर कार नहीं रुकने पर कार का पीछा कर सिनेवेंदर मॉल के पास ओवरटेक कर कुट्टी की कार के आगे खड़ी कर दी और बाद में पिस्तौल की नोक पर कार में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मानपाड़ा पुलिस ने अभिमन्यु पाटिल, तौफीक दगड़ू शेख, उत्कर्ष धूमाल उर्फ लहू गणेश इंदुलकर, गुरुनाथ वालू चौहान, राहुल देवेंद्र गुहेर उर्फ भाल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थॉमस कुट्टी, इनकी गाड़ी अड़ाकर लोगों ने उनके पास से गन दिखाकर उनसे उनके पैसे हथिया लिए थे और फरार हो गए थे। वो हम लोग 12 घंटे के अंदर ही उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके सबको 6 आरोपियों को अटक किया हुआ है। उनका पूरा प्लान फिक्स किया था तो 2 लोगों ने उनका प्लान, जहाँ से उनकी ऑफिस स्टार्ट होता है ऑफिस से 2 लोगों ने उनका पीछा किया। जैसे ही गाड़ी विवियाना मॉल क्रॉस किया, ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद उन्होंने सिग्नल दिया था कि आप निकल जाओ, हम लोग ये करते। तो वैगनार ने फिर उनका फॉलो किया और माझीवाड़ा ब्रिज के ऊपर पहला अटेम्प्ट किया, जहाँ उनका फेल हुआ। फिर वहाँ से माझीवाड़ा ब्रिज से वो ड्राइवर गाड़ी भगा के नीचे लेके आया और नीचे वंडर मॉल के यहाँ फिर उन्होंने ट्रैफिक होने के, थोड़ा ट्रैफिक था तो स्लो हो गया गाड़ी, उसमें गाड़ी फिर से उनका रुका के उनको गन दिखा के कांच तोड़ के गाड़ी का कांच तोड़ के गन दिखा के और जो फिरियादी है उसको थोड़ा मारा भी है उसमें। उनको ज्यादा की आशंका थी उनके पास पैसा होने की, क्योंकि जो उनमें जो आरोपी है अभिमन्यु पाटिल करके, वो उनके पास 5 साल से काम कर रहा था। 5 साल पहले उसने काम छोड़ा था, लेकिन उसको मालूम था कि इनका फिक्स है ये, कि ये दिन में इनके पास इतना कैश होता है। उसने इसके पहले 1 महीने पहले भी एक ड्राई अटेम्प्ट लिया था उनके ऊपर। आरोपी का बैकग्राउंड अभिमन्यु नरसू पाटिल, जो एक मेन अक्यूज है इसमें से, उसके ऊपर 307 का गुना दाखिल है कापुर बावड़ी में, और एक गणेश इंदुलकर करके है 2 नंबर आरोपी, उसका ऊपर 394 का गुना दाखिल है, जिसमें फायरिंग हुआ था मुलुंड में, पेट्रोल पंप लूटने का गुना है उसके ऊपर। जबकि इस मामले में पुलिस को चेतन हनुमंत कामले, रोशन राजू तेलगे की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने गणेश इंदुलकर से पिस्तौल व कारतूस और अभिमन्यु पाटिल से और तौफीक शेख से 40,000 रुपये नगद समेत 5,15,100 रुपये का माल बरामद किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।